नाज़रीन सीनियर रिपोर्टर हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अंदर से आ रहे हैं, अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि और तो किसी को यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा, तो इस वजह से अपडेट्स भी नहीं है, लोग अपडेट जानना चाह रहे हैं कि क्या है। अगर हम ईवान के अंदर की बात करें ना, तो ईवान के अंदर इस वक्त जो 311 अफराद मौजूद हैं, ठीक है ना, 370 का ईवान है, क्योंकि 371 पे इलेक्शन नशिस्तें होनी थी, एक बंदे की डेथ हो गई थी जिसकी वजह 370 का ईवान है, इसमें 311 मौजूद है ईवान में। तो अरकान असेंबली की अगर बात करें तो हल्फ ले लिया है, अब दस्तखत हो रहे हैं इस वक्त ना। कितने लोगों ने हल्फ दे दिया इस वक्त? जो तकरीबन 13 लोगों ने ना, 313 लोगों ने हल्फ उठा लिया है, और अब दस्तखत का सिलसिला जारी है। जब हम अभी आ रहे थे तो तकरीबन 311 अफराद दस्तखत करेंगे, और ये जो अमल है शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मरीम नवाज ने भी हल्फनामे पे दस्तखत कर दिए हैं। इसके अलावा जो सुन्नी तहत कौंसिल में जो तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हुए हैं वो भी दस्तखत कर रहे हैं। तो एक तरफ से अगर हम ईवान की हाल की बात करें तो ईवान का जो अहवाल है इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, पुरसकून माहौल है। तो अगर हम सुन्नी तहत कौंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो उनकी तरफ से जो नारे लग रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, और जबकि उनकी तरफ से नारे लग रहे हैं गड़ी चोर के, मतलब दोनों की तरफ से नारे सुनने में आया कि अंदर जब मरियम आई हैं तो चोर चोर के भी नारे लगे वहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसा है कि वहाँ पर ईवान के अंदर भी बाहर भी चोर चोर के नारे लग रहे हैं, तो वोट चोर के नारे लग रहे हैं, दूसरे चोर के नारे लग रहे हैं, तो दोनों तरफ से नारों का सिलसिला जारी है। सनी असलम इकबाल साहब के बारे में पता लगा था कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और फिर स्पीकर ने पुलिस को ऑर्डर किया कि उनको फौरी तौर पर लेकर आया जाए। क्या असलम इकबाल साहब आ गए हैं यहाँ पर अब के नहीं? देखिए स्पीकर को तो मालूम ही नहीं था कि जो है मियाँ असलम इकबाल गिरफ्तार हुए हैं। जब उस स्पीकर को बताया गया तो उनका मेरे इलम में नहीं है, अगर इलम अगर गिरफ्तारी हुई है तो मैं अभी ऑर्डर देता हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर देता हूँ कि मियाँ असलम को यहाँ पर लाया जाए, लेकिन अभी तक मियाँ असलम को यहाँ पेश नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।